वहीं 29 अप्रैल को बेगूसराय आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जीडी कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए अमित शाह नजर आएंगे और यहां पर संबोधन भी उनका होने वाला है। अमित शाह के कार्यक्रम की कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे, हुंकार भरेंगे 29 अप्रैल को, तो तस्वीर देखने वाली बात होगी। बेगूसराय की जनता किस तरीके से उनका स्वागत करती है ये भी देखने वाली बात होगी। अमित शाह बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे, वोट की अपील वो करते हुए नजर आएंगे और बेहद दिलचस्प क्योंकि बेगूसराय का रण है और ऐसे में क्या सियासी तस्वीर इसके बाद बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। कार्यक्रम की तैयारी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है, इसके लिए जनसंपर्क किया जा रहा है, लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे इसको लेकर भी लगातार लोगों के बीच उतरकर बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। खबर पर जानकारी के लिए बेगूसराय से संवाददाता जिवेश तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिवेश, देखिए बेगूसराय का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है और ऐसे में सीट का अगर बात करें तो समीकरण तो आप समझाइएगा ही, साथ के साथ अमित शाह के दौरे को लेकर के अपडेट हमें दीजिए। लेकिन बता दें जिस तरीके से चुनाव को लेकर लगातार पश्चिम विपक्ष दोनों तरफ से डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और जो चुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर जो सक्रियता दिख रही है वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि बेगूसराय पहले भी हॉट सीट के नाम से क्यों चर्चा में था और आज भी क्यों चर्चा में है। मैं बता दूं कि हाल ही में एक एनडीए के तरफ से लिस्ट जारी की गई है, अमित शाह बेगूसराय आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, उसको लेकर एक मुकम्मल तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी की जा रही है और प्रशासनिक स्तर से बात। फेवरेबल पॉइंट्स क्या लग रहे हैं आपको जिवेश, बीजेपी के पक्ष में क्या वो पॉइंटर्स हैं जो कि बीजेपी को फेवर कर सकते हैं और कहां कमी नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से एनडीए डोर टू डोर इन चीजों को लेकर काफी गंभीरता से पंचायत स्तर तक कैंपेनिंग कर रही है, हालांकि इस बार फिर अलग बात है कि सीपीआई बीजेपी के सामने खड़े हो गई है, चेहरा जरूर अलग है लेकिन माहौल बदलने की पूरी कोशिश महागठबंधन के तरफ से की जा रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में जो दो खेमा है उसको लेकर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अमित शाह कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के लिए चुनावी सभा करेंगे, हुंकार भरेंगे, तो इसके भी अपने मायने हैं जिवेश? बिल्कुल, कहा जा सकता है तो जिस तरीके से अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और गिरिराज सिंह के पक्ष में पहले भी पिछले चुनाव में भी आए थे, इस बार भी आ रहे, तो निश्चित रूप से उनको लेकर थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में जोश है, आम लोगों में भी जोश है। ठीक है जिवेश, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अमित शाह जब पहुंचेंगे क्या सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।